नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं एटेक 5.0 में। आज दोस्तों मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं, अगर कोई भी चाहता है कि वो कंप्यूटर को स्टार्टिंग से सीखना चाहता है तो उसे कुछ चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो उनमें से कुछ चीजें जो मैं है आज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये होता है कि जो आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम डिस्प्ले बोलते हैं। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले, चाहे वो लैपटॉप में चाहे कंप्यूटर में, डिस्प्ले ही बोला जाता है। ये जो तीर का निशान देख रहे हो, देखो जो ये मूव हो रहा है तीर का निशान, इसे हम कर्सर या एरो बोलते हैं दोस्तों। अब जैसे आपके पास माउस है, माउस में दोस्तों एक क्लिक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। अगर आपका राइट हैंड है तो माउस का राइट क्लिक होगा, अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो माउस का लेफ्ट क्लिक होगा। अब जो दोस्तों लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, इनका काम क्या होता है? तो राइट क्लिक का मतलब होता है कि जिस एरिया में आपका कर्सर होता है दोस्तों, उस पूरे एरिया के बारे में अगर कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन निकालना है आपको दोस्तों, तो सिंपली आपको करना है उस कर्सर को रख के राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करने के साथ ही इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, डिटेल्स। अब इनमें से अगर आप चाहते हो कि मैं किसी के भी अंदर जाना चाहता हूं तो उसे ओपन करने के लिए दोस्तों सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे लेफ्ट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक करते दोस्तों क्या होगा कि आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो भी आपको करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, स्क्रीन सेवर चेंज करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, तो आप इसको कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो अब अगला इसमें क्या है दोस्तों कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे नीचे की ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं टास्क बार। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, आज हम फिर दोबारा से वर्ड में जा रहे हैं। वर्ड के अंदर जाने के बाद मैं, जैसे ही हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको मैंने पहले बताया, एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर की जो लाइनें हैं दोस्तों, ये पूरी लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पर फाइल का नाम आता है, पर अभी यहाँ पर फाइल का नाम नहीं आ रहा दोस्तों। इसके नीचे जो आता है आप देख रहे होंगे फाइल, होम, इंसर्ट, ये मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर किया हुआ था कि इसको हम क्या बोलते हैं, सारे के सारे हमारी टैब होती है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉअर, सारे टैब है। इसके बाद जो होता है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे जितने भी ये सिंगल सिंगल ये सारी कमांड होती है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये बोल्ड है, बी माने बोल्ड। तो ये जो जो भी ये एरिया आ रहा है इसको हम मेनू बार कह सकते हैं, ये जो पूरा एरिया इसको मेनू बार, मतलब यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे कमांड हमारी आती है। अब दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड में है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अलग कलर का है, नीचे देख रहे हो व्हाइट कलर अलग दिख रहा है दोस्तों। तो ये जो एरिया इधर भी है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं वर्टिकल, और दोस्तों ये जो होता है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इनको रूलर कहा जाता है दोस्तों, और ये रूलर बड़ी काम की चीज है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि रूलर काम क्या करता है। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे आप कि जब मैं ये ओपन करता हूँ, ओपन करने के साथ नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे ये कुछ पेज 101 है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है दोस्तों, दिख रहा है आपको? तो ये जो एरिया है ना, इस क्वेरियो को हम बोलते हैं स्टेटस बार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो दोस्तों नीचे आती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको समझा है वो समझ में आपको आया होगा। तो आगे मैं कोशिश करूंगा दोस्तों और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग माई वीडियो।